माता दी दोस्तों, आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सर्व सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गरुण पुराण की। जी हाँ दोस्तों, गरुण पुराण के अनुसार इन नौ अंग द्वारों से निकलते हैं प्राण। जानिए किस स्वभाव के व्यक्ति के किस अंग से निकलते हैं प्राण। हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण पुराण है जो अलग अलग विषयों की व्याख्या करते हैं। गरुण पुराण मृत्यु एव आत्मा संबंधी रहस्य को उजागर करता है। इसमें भगवान विष्णु और उनके भक्तों के बीच वार्तालाप वर्णित है, जिसमें से एक वर्णन इस विषय पर भी है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके प्राण शरीर के किन किन अंग से निकलते हैं। जी हाँ, वह अंग किस प्रकार उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप निर्धारित होते हैं। किसी मनुष्य का प्राण किस द्वार से बाहर निकलता है। गरुण पुराण में बताया गया है कि शरीर के नौ द्वार होते हैं जिसे शरीर से प्राण बाहर निकलते हैं। नाक से प्राण निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि किस व्यक्ति की मरते वक्त आंखें खुली रहती हैं या फिर उलट जाती हैं। पापी व्यक्ति एक दुराचारी इस तरह त्यागते हैं प्राण। जी हाँ, किस प्रकार से मनुष्य के प्राण किस अंग से निकलते हैं, चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अक्सर उसका मुंह यानी कि मुख या फिर आंखें खुली रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके प्राण या तो उसके मुख से यानी कि उसके मुंह के द्वारा या फिर उसकी आंखों से निकलते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार केवल मुख ही इकलौता मार्ग नहीं है प्राण निकलने के लिए, बल्कि कई अन्य अंग अथवा द्वार भी हैं और ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हैं। जी हाँ, किसी मनुष्य का प्राण किस द्वार से बाहर निकलता है यह उस मनुष्य के स्वभाव और कर्मों के हिसाब से तय होते हैं। प्राण निकलने के अलग अलग द्वार। गरुण पुराण में बताया गया है कि शरीर के नौ द्वार होते हैं जिससे शरीर के प्राण बाहर निकलते हैं। ये द्वार हैं दोनों आंखें, दोनों कान, मुख, दोनों नासिकाएं और शरीर के दोनों उत्सर्जन अंग, जिसमें से किसी एक द्वारा यानी कि द्वारा मृत्यु के दौरान व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार के मनुष्य के प्राण किस अंग से निकलते हैं? दोस्तों, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गरुण पुराण इस बात की भी व्याख्या करता है कि किस परिस्थिति में या फिर किस प्रकृति में और किस प्रकृति के मनुष्य के प्राण किस अंग से बाहर निकलते हैं। इस पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से पूरा करने में व्यतीत कर दिया हो या फिर जिसने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लीन कर दिया है, उसके प्राण नाक से निकलते हैं। नाक से प्राण निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो सदाचारी आत्मा होते हैं। जिस व्यक्ति जीवन ने अपना पूरा जीवन धर्म के मार्ग पर चलकर व्रतीत किया हो, उस व्यक्ति के प्राण मुख से निकलते हैं। इसलिए मुख से प्राण निकलना भी एक अच्छी आत्मा का संकेत है। किस व्यक्ति की मरते वक्त आंखें खुली रहती हैं या फिर उलट जाती हैं? वह व्यक्ति जो जीवन को लेकर मोहग्रस्त हो, जिसे जीने का बहुत अधिक इच्छा हो और जिसे अपने परिवार से बहुत अधिक लगाव है, ऐसे व्यक्ति के प्राण आंखों से निकलते हैं और इसलिए आंखें खुली रह जाती हैं। ऐसे लोग अपना प्राण मोहवश त्यागना नहीं चाहते, लेकिन यमराज बलपूर्वक उनके प्राण हरते हैं। बलपूर्वक आंखों से प्राण निकलने के कारण कई बारे में ऐसे मृतकों की आंखें उलट जाती हैं या फिर खुली रह जाती हैं। पापी व्यक्ति एवं दुराचारी इस तरह त्यागते हैं प्राण।
दोस्तों, वह व्यक्ति जो स्वार्थी रहा हो, उसने जीवन भर सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही सोचा हो और अपना अधिकतर समय केवल धन दौलत कमाने में ही लगाया हो, जिसने कभी भी जन कल्याण नहीं किया, जिसने काम वासना को प्रमुखता दी, ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूत को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और घबराहट में उनके प्राण नीचे से और नीचे की ओर सरकने लगते हैं। यही कारण है कि उनके प्राण नीचे के उत्सर्जन अंग यानी कि मल द्वारा एवं मूत्र द्वारा और द्वार से निकलते हैं। ऐसे लोग मरते समय मल मूत्र का त्याग भी कर देते हैं। गरुण पुराण के अनुसार यमराज के दूत ऐसे लोगों की आत्माओं के गले में पाश बांध देते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। दोस्तों, यह थी गरुण पुराण के अनुसार कि किन 9 अंगों से और अंग द्वारों से निकलते हैं प्राण। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।